जय माता दी। आलू के चिप्स इस तरह से एकदम बढ़िया क्वालिटी में अच्छे से हम बनाएंगे इस तरह से, तो इस तरह का चिप्स आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम चिप्स को तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहे। तो चलते हैं गाइस हम बनाने की ओर। गाइस, तो हमने 4 बड़े आलू लिए हैं और इसको अच्छे से छील लेंगे। इसके छिलके को छीलने के बाद तो हमें इस तरह का मशीन चाहिए, और हाथों के मदद से इससे हमें इस तरह से आसानी से घिसना है, ताकि चिप्स हमारे तैयार हो जाए आलू के। तो सावधानी से आपको करना है, बिल्कुल इस तरह से परफेक्ट तरीके से। तो इस तरह से करके आप सारे चिप्स को काट लीजिए आलू को, और बहुत ही बढ़िया, बहुत आसान तरीके से आपके चिप्स तैयार होंगे। तो आप चाहे व्रत में खाए या जब वैसे ही खाना है तो खाए, और होली के आने वाला त्यौहार है तो हम इसमें एक ट्रिक बताएंगे कैसे व्रत में खाना है और कैसे डेली आपको खाना है। तो क्या ट्रिक है आपको, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो इस तरह से सारे हमारे आलू के चिप्स कट चुके हैं। तो इतना बढ़िया सा देख लीजिए, बिल्कुल इसमें कई डिजाइने होते हैं, तो आप जिस डिजाइन में बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना सकते हैं। तो हम इस तरह से कटिंग किए हैं, तो और भी डिजाइने बताएंगे आपको। तो बढ़िया से पानी में हमको इसको धो लेना है, इस तरह से बढ़िया से आपको इस तरह से धो लेना है जो मिट्टी वगैरह लगे हुए हैं। उसके बाद हमें अगला प्रोसेस क्या है देखे रहे, हमारे वीडियो बने रहिए। तो हम चालू कर देंगे गैस को। गैस को आपको हाई फ्लेम पे रखना है। एक बर्तन, भगोला या कुछ भी, आप जो भी आपके पास बर्तन हो उसको रख लीजिए इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे पानी, करीब आधा भगोला हमारा पानी है इस तरह से, ताकि हमारे सारे चिप्स उसमें आ जाए। तो गैस हमारे पानी एकदम उबल रहे हैं, जब एकदम पानी उबले तभी आपको डालना है। तो इसमें हम सारे चिप्स को डाल रहे हैं, बिल्कुल आपको पानी एकदम उबलने लगे तभी डालना है, वरना आपके चिप्स एकदम गल जाएंगे। तो आपको हाई फ्लेम पे इसके 1 से 2 मिनट तक भाप देना है, बिल्कुल ज़्यादा तक नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट तक। तो इस तरह से सारे चिप्स को हम डालने के बाद हम इसमें सफ़ेद नमक डाल रहे हैं। अगर आपको व्रत में खाना है तो सेंधा नमक, व्रत वाले नमक डालकर ये बना सकते हैं इसको, तो हम वैसे ही खाएंगे। तो इसको हम सादा नमक डाल रहे हैं, डेली जो खाया जाता है। तो गैस 1 से 2 मिनट हमारे हो गए हैं, इस तरह से देख लीजिए बिल्कुल बढ़िया से पक चुके हैं आलू, क्योंकि पतला है जिसको ज़्यादा समय नहीं लगता पकने में, तो बहुत कम ही समय में पक जाते हैं। तो इस तरह से देखिए होना चाहिए कुछ। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, जालीदार हमारा बर्तन होगा। तो गैस को हमने कर दिए हैं बंद। तो इस तरह से हम बर्तन निकाल लेंगे, आपके पास जो भी बर्तन है उसमें आप निकाल सकते हैं। तो इसमें हम सारे चिप्स को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम इसको धूप में ले जाएंगे। तो पहले इसको हम निकाल लें। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको सारी वीडियो का एक एक से पार्ट समझ में आए कि क्या क्या हम कैसे बना रहे हैं, क्या चीज़ हमारा है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। सारे हम चिप्स को इस बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि पानी हमारा जो एक्स्ट्रा इसमें हो नीचे गिर जाए। तो इस तरह का अगर बर्तन होगा तो अच्छा बेटर होगा। तो हम आए हैं छत पे, कपड़े को फैला दिए हैं,
और हम उस पर एक एक चिप्स इस तरह से फैलाएंगे। तो अगर बढ़िया धूप होगा तो एक ही दिन में सुबह को रखेंगे तो शाम तक सूख जाएंगे, या तो नहीं धूप कम भी हो तो 1 से 2 दिन में आपके चिप्स सूख जाते हैं। तो ऐसे ही आजकल एक ही दिन में सूख जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे फैलाए रहे हैं, देख लीजिए। तो उसके बाद फैलाने के बाद तो हमारा शाम तक ही सारे चिप्स सूख गए हैं गाइस। शाम को हमारे चिप्स सूख गए हैं, एक ही दिन में सूख गए हैं क्योंकि घाम बढ़िया था। तो हम आपको फ्राई करके दिखाएंगे। तो इधर हमने पैन में रख दिए हैं तेल गर्म होने के लिए। आप चाहे मीठा या राई के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक चेक करके दिखाएंगे, देख लीजिए। तो आँच को आपको बहुत हाई फ्लेम पे ना हो ना मीडियम हो, बस बढ़िया थोड़ा आँच होना चाहिए। ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, नहीं तो आपको चिप्स से ज़्यादा काले हो जाएंगे। बस ये बढ़िया सा आँच लेके इस तरह से आप फ्राई करना है सारे चिप्स को। तो आशा करते हैं आप लोग को हमारा ये वीडियो चिप्स का बढ़िया लगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट करना और लाइक करना। तो इस तरह से हम प्लेटिंग कर रहे हैं, देख लीजिए कितना बढ़िया खस्ता हमारा चिप्स तैयार है। तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो होली में गुजिया के साथ जब तक चिप्स ना हो तो कुछ अलग सा डिश लगता है। तो इस डिश को फेवरेट बनाने के लिए इस तरह का आप चिप्स बनाइए। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, रिद्धि सिद्धि।